तो दोस्तों आज हम राजस्थान वन रक्षक एवं वनपाल के लिए 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, यह किस मुगल शासक ने कहा था? तो आपको याद रखना है यह कहा था जहांगीर ने। ठीक है, तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूं उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? तो आपको याद रखना है यह महत्वपूर्ण उपलब्धि किसकी थी? जहांगीर की। तो आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो आपका उत्तर होगा साजा। ठीक है, साजा काल को संगमरमर का काल कहा कहलाता है। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो आपको याद रखना है यह की थी शेरशाह ने। ठीक है, कौन सी प्रथा आरंभ की थी? तो पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी किसने? शेरशाह ने। अगला सवाल है कि राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो आपको याद रखना है यह की थी मेवाड़ ने नहीं की थी। ठीक है, मेवाड़ ने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया था। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो आपका उत्तर होगा नूरजहां ने। ठीक है, कौन सा मकबरा? एतमाद उद दौला का मकबरा। ठीक है, किसने बनवाया था? आगरा में बनवाया था किसने? नूरजहां ने। तो आपका अगला सवाल है कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा सूरत। ठीक है, सूरत बंदरगाह को क्या कहा जाता है? बाबुल मक्का। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आपको याद रखना है यह हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो आपका अगला सवाल है कि भारत में ग्रैंड ट्रैक रोड किसने बनवाई थी? तो आपको याद रखना है बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। कौन सी रोड? ग्रैंड ट्रैक रोड। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो आपका उत्तर होगा बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा किसकी यादगार में अकबर ने निर्माण करवाया था? तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निर्माण कराया था क्या? बुलंद दरवाज़ा। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो आपका उत्तर होगा अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, कौन सी लड़ाई? पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका उत्तर होगा अकबर द्वारा। ठीक है, अकबर द्वारा कौन सा नया धर्म चालू किया गया था? तो दीन ए इलाही धर्म। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो आपका उत्तर होगा अकबर ने। ठीक है, अकबर ने प्रारंभ किया था क्या? मनसबदारी प्रणाली। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो आपका उत्तर होगा अकबर के दरबार में थे। ठीक है, कौन? तानसेन। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है मुगल काल की राजधानी राजभाषा कौन सी थी? तो आपको याद रखना है राजभाषा थी फारसी। ठीक है, अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? तो मुगल सम्राट कौन था? अकबर। ठीक है, अकबर वह मुगल सम्राट था जिसने सती प्रथा की भर्त्सना की थी। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है कि किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो आपको याद रखना है वह युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध से मुगल राज्य की नींव पड़ी। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो आपका उत्तर होगा अबुल फजल ने। ठीक है, अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो आपका उत्तर होगा गुलबदन बेगम ने। ठीक है, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। अगला देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था वह किस नाम से जाना जाता था? तो यह जाना जाता था रजमनामा के नाम से। ठीक है,
क्या जाना जाता है? महाभारत, जो फारसी भाषा में जाना जाता है क्या, रजम नामक के नाम से जाना जाता था। अगला देखते हैं, तो आपका अगला सवाल है कि अकबर के शासनकाल में पूर्व राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो आपको याद रखना है यह था टोडरमल। अगला देखते हैं, तो आपका अगला सवाल है कि अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो आपका उत्तर होगा इबादत खाना। ठीक है, इबादत खाना जो अकबर द्वारा बनवाए गए थे, उपासना भवन थे, ठीक है, उनका नाम क्या था? इबादत खाना। अगला देखते हैं, तो आपका अगला सवाल है कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो आपका उत्तर होगा शाहजहां। ठीक है, शाहजहां ने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। अगला देखते हैं, तो आपका अगला सवाल है अकबर के युवावस्था में किसका उसका संरक्षक था? अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था तो कौन था? बैरम खां। ठीक है, बैरम खां था जो अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक था। तो आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो आपका उत्तर होगा कन्नौज। ठीक है, कन्नौज पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। तो दोस्तों, आपको 25% दिए गए थे, जिसमें से आपने कितने % सही किए हैं वो हमें जल्दी जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।